सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, इसके लिए सॉरी कि मैं इतने दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि गाइस मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था तो क्या अपलोड करता। क्योंकि गाइस मैं चंडीगढ़ गया था किसी काम से और कल फिर जा रहा हूँ, मगर आज आते वक्त मैंने एक व्लॉग बना लिया था। तो आज पहले तो महाशिवरात्रि आ गई, तो सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और गाइस आप पहले ब्लॉग देख के बताना, गाइस कमेंट में बताना कैसा बनाया कैसा नहीं बनाया। तो गाइस पहले तो आप ब्लॉग देखें। जा रहा हूँ मैं सीधा चंडीगढ़ से घर, मतलब कि अपने गांव जा रहा हूँ। जा रहा हूँ यार, कल फिर आ जाऊँगा, अभी किसी काम से जा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी इतने दिनों से कोई व्लॉग बना नहीं पाया, अपलोड नहीं कर पाया। तो चंडीगढ़ में पहली बार आया था इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। अभी मैं चंडीगढ़ मोहाली में हूँ, बस स्टैंड 43 में। और गाइस यहाँ पर अब बस ढूंढते हैं, कोई दिख रहा हूँ अभी। गाइस दिख रहा हूँ वाली कोई बस दिख तो नहीं रही, मगर ढूंढना तो पड़ेगा भाई। गाइस रीज़न ये है, घर से मुझे कुछ पैसे लेने जाने हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं नहीं अभी और मेरा गूगल पे भी नहीं चलता कि मैं ऑनलाइन मंगवा लूँ, तो मुझे घर ही जाना पड़ेगा। गाइस मुझे कोई बस दिख ही नहीं रही, दिख रहा हूँ जाने वाली, चलो वहाँ जाके पूछते हैं। कोई दिख नहीं रही है जी, जाके किसी से पूछते हैं। अंकल जी दिख रहा हूँ वाली कौन सी बस जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू अंकल। यहाँ पर सामने भाई संकल ने तो यहाँ पर सामने बोला, अभी मुझे पता नहीं लग रहा है कौन सी है कौन सी नहीं, दिख रहा हूँ तो किसी पर भी नहीं लगा होगा, अभी देख लेंगे यहाँ पर शायद कोई आ जाए। बस वालों कोई तो गरीब को उठा दो। और यहाँ पर कहीं सामने लिखा भी नहीं हुआ है, ये गुरदासपुर। कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगी शर्म सी आ रही है। वैसे मैं अपने पैर ट्रिबल कर देता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं ही यहाँ पर लिखूँगा। सर जगराऊँ वाली कौन सी बस जाएगी, यही जाएगी? हाँ जा रही है भाई। मुझे भूल तो रही है ये बस जाएगी, बट मुझे यकीन नहीं हो रही, तो यार बैठना तो पड़ेगा अब। चलो कुछ ले लेते हैं खाने को। गाइस मुझे भूख लग रही है, 20 रुपये कुछ ले लेते हैं खाने को। ये बिस्किट लेते हैं, ये 30 की है। गाइस मैंने खाने के लिए बिस्किट वगैरह ले लिए। और यहाँ पर तो ये बस बोल रहे हैं, अंकल तो बोल रहे हैं कि जाना है, तो फिलहाल देखते हैं जाएगी। यहाँ पर तो गाइस कहीं पर जगराऊँ नहीं लिखा हुआ है। सर जगराऊँ जाएगी ना? अब जगराऊँ जाओगी? जगराऊँ जाएंगे, देखते हैं। पट्टी
भाई चंडीगढ़ को करते हैं बाय। तो वो देखो इस वाला खड़ा है, शायद गाइस साथ में घर टाइम से पहुंच गया तो नकोदरे भी चलेंगे वहां पर, क्योंकि गाइस महाशिवरात्रि की ना गाइस पार्टी होती है बहुत जोर से। बाय चंडीगढ़, चंडीगढ़ गुजर पे बाय, और चलते हैं जलंधर की तरफ। मुझे गाइस ये तक नहीं पता कि बस दिख रहा हूँ जाएगी कि नहीं, मैं बस बैठ गया इसमें। गाइस मैं बता दूँ चंडीगढ़ हम जैसे गाँव वालों के लिए नहीं है, क्योंकि हम गाइस गाँव में अपनी मनमर्जी करते हैं, यहाँ पर डिसिप्लिन चलता है गाइस। वहाँ पर बाइक हम भगाते हैं बहुत गाइस, वहाँ पर बाइक हम फुल स्पीड में भगाते हैं, यहाँ पर 40 से ऊपर ही टपा सकते। बाकी गाइस चंडीगढ़ भी बहुत अच्छा कंट्री है गाइस, यहाँ पर बहुत मज़ा आया मुझे। और कल फिर आऊँगा, अभी तो जा रहा हूँ, कल सुबह फिर आऊँगा, शायद भी ब्लॉग बना पाऊँ। वो देखो गाइस फ्री साइकिल। हेलमेट लगाया हुआ है हमारे, यहाँ पर लगाते हैं हेलमेट, यहाँ पर गाइस हर एक बंदा हेलमेट लगा के चलता है, हमारे यहाँ पर तो नहीं लगाता कोई हेलमेट। और गाइस आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना, चेक करो ये देखो, हमने आज तक मोटर व्लॉगिंग की, आज बस व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये देखो हमने बस है और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बस व्लॉगिंग हो रही है, बस करना था इसलिए मैंने इतने टाइम से व्लॉग शूट नहीं किया। अगर गाइस ये देखो मैंने फोन को विंडो के पास लेके आया हुआ है, अगर गाइस कहीं पर गड्ढा खड्डा आया तो गाइस फ़ोन कर सकते हैं आपसे, फिर ब्लॉग की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ब्लॉग की छोड़ो मेरे फ़ोन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, अभी 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए। वो देखो गाइस 242 नंबर बस, गाइस जंगली जंगल है, कहीं पर जंगल कहीं पर शहर, कहीं पर जंगल कहीं पर शहर, चंडीगढ़ भी क्या अजूबा है। वो देखो ये डर लग रहा है गाइस, किसी फोन हाथ से गिर गया ना तो फोन की बाट लग जाएगी पूरी। चलो गाइस आगे कुछ देखने वाला सीन आएगा तभी मैं कैमरा स्टार्ट करूँगा, तब तक के लिए बाय। गाइस सफ़र मेरा भी बहुत दूर का है, लगभग मुझे 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे जाने को। अभी तो मैं फ़िलहाल चंडीगढ़ के मोहाली के अंदर ही हूँ। तो गाइस भैया ने मुझे सलाह दिया कि आईफोन ले लो अगर आपको वीडियो बनानी है तो इसमें, क्योंकि गाइस आपको पता ही ज़ीरो ज़ीरो नहीं चलता, तो आपको गाइस ये भी पता है मैंने आईफोन भी लिया था बट कैसे चोरी हुआ कैसे टूट गया, कोई बात नहीं गाइस आईफोन भी आएगा अभी। गाइस फॉग हो गई है जैसे धुंध का मौसम, सर्दियों का मौसम होता है गाइस।
आज गांव में पता नहीं क्या हाल होने वाला है, लगता है वहाँ भी आज ठंड होगी। ये देखो गाइस वॉक चेक कर रहे हो आप, अभी तो वहाँ पर गाइस इतनी गर्मी थी ना, इतना धूप था वहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो खेती बाड़ी बारिश है, अभी भी सर्दियाँ चल रही है यहाँ पर, वहाँ पर तो गर्मी होगी थी गाइस एक साल से। यहाँ पर बस बंद हो गई, अभी पता नहीं क्या ड्राइवर होगी ये रोज। चंडीगढ़ के अंदर इतनी गर्मी थी, यहाँ पर आते इतना फॉग धुंध हो गया जिसे हम कोहरा कह देते हैं। Many hours later. Finally, इतने टाइम के बाद बस स्टार्ट हो गई, लगभग आधा घंटा था हम लोग यहीं पर खड़े रहे। मुझे नहीं लगता दोपहर से पहले पहले पहुंच पाऊंगा, शाम हो जाएगी लोग तक। देखो गाइस यहाँ पर फिर बस रुकी, मुझे घर जाने को मुझे जल्दी है और बस वाले बहुत टाइम लगा रहे। सूरज को हुई है वेलकम टू लुधियाना। तो गाइस हम लोग लुधियाना के अंदर एंटर हो चुके हैं, शायद होपफुली, मुझे पक्का नहीं पता। सामने हजराला चौक का बोर्ड लगा हुआ था इसलिए मैंने गेस कर लिया गाइस, शायद अब हम शायद लुधियाने में एंटर हो चुके हैं। और लुधियाने आती फिर से धूप हो गई, मुझे पता है लुधियाने से बाहर जाती फिर से फॉग हो जाएगी। वैसे लुधियाना और चंडीगढ़ में फ़र्क देख लो, वहाँ पर कितनी सफाई थी, ना कोई पोल्यूशन ना कोई ट्रैफिक। और अगर यहाँ देख लो एक साथ दिल्ली बनाई हुई है। वैसे लुधियाना और दिल्ली में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। यहाँ भी आपको विमल खाने वाले मिल जाएंगे, दिल्ली में भी मिलेंगे, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं बीच में, बिजनेसमैन बिजनेस माइंड रखने वाले लोग। वैसे यहाँ पर भी कोई प्रोग्राम लग रहा है मुझे महाशिवरात्रि की, यहाँ चेक कर लो। मैंने फटाफट कैमरा निकाल लिया, आई मीन फोन निकाल लिया। फलक तक चल साथ मेरे ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल। फलक तक चल साथ मेरे। शायद से अब गाइस हम लुधियाना पहुँचे, तब नहीं पहुँचे थे, तब मतलब लुधियाने के अंदर एंट्री हो चुके थे, मगर मेन जो लुधियाना है ये अब नहीं पहुँचे, आई मीन मार्केट में। आगे फिर मुझे लग रहा है रास्ता फिर खाली हो जाएगा। गाइस मेरी प्रॉब्लम ये है, जब गाइस सीन चले जाता है तब मैं कैमरा निकाल दूँ। गाइस बहारों के छत हो, दुआओं के खत हो, पढ़ते रहे ये गजल। शायद से फिर से मार्केट खत्म हो जाएगी, अब तो मेन मार्केट आएगी तो गाइस बहुत टाइम तक मार्केट ही मार्केट होगी। शरारत
गाइस अभी मैं फिलहाल संग्रहालय चौक में हूँ और ये देखो गाइस महाशिवरात्रि का लंगर लगा हुआ है। अभी मैं संग्रहालय चौक में हूँ तो बहुत ही जल्दी बस स्टैंड तक पहुँचूँगा। वहाँ पर लुधियाना में हूँ और पता चला कि ये बस नहीं जाएगी तो मैं दूसरे बस पर जा रहा हूँ। अभी फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। ग्राम वाली अभी तो फिलहाल कोई बस मिली नहीं मुझे, तो फिर से उसी बस में मैं बैठने वाला हूँ जो कि 12:40 पर जाएगी। अभी 12:20 हो रहे हैं शायद मेरे अंदाजे। कोई बात नहीं भाई, गाइस आई मीन गाइस चलते हैं। तो गाइस चलते हैं पहले वो गाइस बस में मिलती है मुझे। गाइस ब्लॉग कर रहा हूँ, सभी लोग देख रहे हैं मुझे। गाइस ये सामने बस है, आप पर जाएंगे। गाइस भूख बहुत जोर से लगी है, पता ही नहीं लग रहा है क्या खाऊं क्या नहीं। और ये सामने बस खड़ी है, सामने कंडक्टर साहब भी आ गए। अपन बैठना पड़ेगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, बैठ जाएंगे। वैसे फ्री है तो वैसे भी मैं फ्री हूँ। फ्री का मतलब वो फ्री नहीं दूसरी, जैसे हम वेला कह देते हैं वेला, वो फ्री नहीं। एक तो फ्री होता है जो जिसकी कोई कीमत नहीं होती, कीमत तो आपके भाई की बहुत है। इस बस को अभी जाने में बहुत टाइम लगेगी, तब तक मैंने सोचा घूम फिर लूँ। गाइस मुझे ये डर है कि अगर वो बस जो सामने खड़ी है वो अगर वहाँ से चली गई तो मेरा चूतिया कट जाएगा, क्योंकि गाइस 190 रुपये की जो टिकट होती है वो मैंने कटा ली है। तो अभी आया फिलहाल मैं लुधियाना ही हूँ, बट मैंने चलाऊँ टिकट कटाई हुई है। अगर वो वहाँ से गए, वो बस अगर वहाँ से चली गई तो मेरा बहुत तगड़ा वाला चूतिया कटने। चलो कोई बात नहीं, जगह दिख नहीं रही है लुधियाने की। गाइस चंडीगढ़ जो है एक अनदर कंट्री, जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ऐसे दिखता है। मगर ये जो गाइस लुधियाना जो है गाइस, यहाँ पर बिल्डिंगें तो बहुत है, बट ये गाइस मिट्टी चेक कर रहे हैं आप, क्योंकि इतना डस्ट है ना यहाँ पर। ये देखो गाइस डस्ट का छोड़ रहा है। गाइस चंडीगढ़ इज द बेस्ट, चंडीगढ़ लुधियाना तो बहुत गुना आगे है, ऐसे नहीं कहते। चंडीगढ़ भी देख ली मैंने, अभी चंडीगढ़ पूरा घूमा ही नहीं है तो भी देख लिया। ऐसे नहीं बोलते गाइस, पूरी दुनिया ऐसे नहीं बोलती। चंडीगढ़ पंजाब से 10 साल आगे है, इसी वजह से 10 साल आगे। पंजाब सरकार यार पता नहीं क्या कर रही है लुधियाने, लुधियाने की हालत देख लो गाइस। अच्छा हुआ मैं गाँव में रहता हूँ, बट लुधियाने में नहीं रहता, लुधियाना शहर जो है। ऐसे ही मेरे जो दोस्त है वहाँ पर, जैसे कि आपको पता है ना, इतनी भी ऐसे ही बोलते लुधियाना ऐसा है, लुधियाना रहता है, लुधियाना बेकार। मैं जिगराऊँ पहुँच गया हूँ और अभी मैं फिलहाल बना रहा था, तो अभी चलते हैं बस स्टैंड की ओर और वहाँ से सीधे निकलते हैं घर की तरफ, यानी अपने संगोवाल की तरफ। अब गाइस जलंधर वाली बस से ढूंढ दो, पूछना पड़ेगा। गाइस मैंने अंकल से पूछा, अंकल बोल रहे थे कि वहाँ पर एक नंबर पर, तो चलो वो गाइस सामने बस दिख रही है MS की, वो जो पता नहीं कौन सी अजीब सी अतरंगी मेहंदी से कलर की है गाइस, तो वहाँ चलते हैं अतरंगी कलर। हिंदू हाईवे पर बैठ चुका हूँ जो कि जलंधर जा रही है। फाइनली मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं
और अभी अभी बस गई है तो मैंने हमारे कैमरा ऑन कर दिया, चल फिर। और ओके, और फिर गाइस मैं अपने गांव पहुंच चुका हूँ, वो देखो सामने मेरा गांव है। गाँव की मम्मी अभी घर पे ही हो, क्योंकि अगर गाइस मम्मी घर पे होंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। रिएक्शन तो कुछ नहीं आने वाला, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। इन लोगों को मैं यही बता के गया था, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं मैं कहाँ था कहाँ नहीं। कितने प्यारे पूरा फ्रेंड गाइस, यहाँ पर कोई तो है नहीं, तो इस घर पे तो मम्मी नहीं है अभी, शायद काम पर गई होगी। चलो सीधा चलते हैं सिस्टर के पास, वहाँ पर देखते हैं सीधा।